हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सभी लोग एकदम जबरदस्त और बढ़िया होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख कर क्या होंगे कि DDU में BSc में एडमिशन पाना चाहते हैं तो क्या करें, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दिल थाम के 5 से 7 मिनट का इंतज़ार करिए और वीडियो को पूरा देखें। हम आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आपका एडमिशन DDU विश्वविद्यालय में ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं कि अगर आप BSc में एडमिशन लेना ही क्यों चाहते हैं, क्यों लें, पर्पज़ एक कुछ होना चाहिए कि आप एडमिशन लें तो क्यों लें। BSc में DDU ही कॉलेज ही क्यों, आप आसपास के जो अफिलेटेड कॉलेज होते हैं वो भी प्राइवेट, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, आप वहाँ से भी ले सकते हो। वहाँ पे कुछ भी आपका फ़ीस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बट मेन कैंपस ही क्यों। ठीक है, देखिए जैसा कि बचपन में आपसे क्या कहा जाता था, भाई 10th में अच्छे मार्क्स ला लो, आपकी लाइफ एकदम सेट है। लेकिन ऐसा कुछ आपको पता नहीं चला क्योंकि आपको 12th भी करनी पड़ गई। 12th में बोला गया कि 12th अच्छे से कर लो, आपकी लाइफ सेट है। लेकिन जैसे ही 12th के एग्ज़ाम आप बोर्ड के अभी भी देख के आया तो घर वाले बोल रहे हैं कि अभी ग्रेजुएशन कहाँ से करना है और क्या करना है, कुछ सोचा है कभी? ऐसा बोलते होंगे आपको भी कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से हमें भी बोला गया था जब हमारी 12th हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपके विचार में आया होगा कि आपके शहर गोरखपुर में DDU एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसको एक बहुत ही अच्छा ग्रेड मिला गया है, मिला है इस बार। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का सपना होगा कि मेन यूनिवर्सिटी से ही किया जाए। अगर हम बात करें कि भाई मेन यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट अफिलेटेड कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो मेन कैंपस में एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, पढ़ने का माहौल होता है, वहाँ पर लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पर लैब होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्राइवेट अफिलेटेड कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं इतनी कम फीस में। ठीक है, वहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में जाने का नहीं सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप अपनी जीवन में एकदम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो लग जाएं तैयारी में। तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, कब एग्ज़ाम फॉर्म आता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, हम बेसिकली कि हाउ टू अप्लाई, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या हो सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट पे अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है हाउ टू अप्लाई। देखो हाउ टू अप्लाई का पहला सबसे सिंपल सा हमें ये बोल पाऊँगा कि जैसे ही इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल सूचित कर देगा। अगर आपने अभी तक टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और एग्ज़ाम डेट, आपकी एग्ज़ाम की डेट, ये मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट नहीं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम की डेट बता रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम जून में होगा, जून अभी 1.5 महीने या 2 महीने में बिल्कुल आ जाएगा। और सिलेबस की बात हम थोड़ी सी देर में करेंगे और कट ऑफ की बात भी थोड़ी सी देर में करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपका होने वाला है, बेसिकली हम बात करेंगे किस मोड पर होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो ये जो DDU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन पेन पेपर मोड होगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, थ्योरेटिकल होगा जैसे कि बोर्ड हुआ था, या फिर MCQ बेस्ड होगा। तो आपका ये भी डाउट मैं क्लियर कर दूं, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और उसमें बच्चों का एक बहुत ही बड़ा ये डाउट पड़ता है कि भाई निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि इसमें कोई भी निगेटिव या माइनस मार्किंग का कोई भी रूल या नियम नहीं है। अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है BSc बायोलॉजी से करने के लिए, सिलेबस क्या है, तो देखो सिलेबस में अब देखो आपकी जो फिजिक्स थी, फिजिक्स को ड्रॉप कर देना है, फिजिक्स से आप पीछा छूट जाएगा आपका। जो आप फिजिक्स का पेपर दे के आए हैं वो आपके जीवन का आखिरी फिजिक्स का पेपर है अगर आप BSc करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्या है, आपका जो भी क्लास 12th में आपने बायोलॉजी में पढ़ा था, इवन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लेकर के लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम है वहाँ तक आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में आपको क्लास 11th के भी कुछ चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 11th की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ ही चैप्टर्स
ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हम बात करें सेल बायोलॉजी, जिसमें आपके बारे कुछ सेल के बारे में बताया गया है, सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में, ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया। और आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके पढ़नी पड़ेंगी। सेम यही केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, सॉलिड स्टेट से लेकर के लास्ट का जो पॉलीमर या फिर आपका जो भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो वहाँ तक आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपसे दो ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हो सकता है जूलॉजी और बॉटनी करके बोला जाए और आपको कहीं कहीं पर और केमिस्ट्री बोला जाए, ठीक है, ये तीन आपको पढ़ने को मिलेंगे। और अगर आप ये रिटन फॉर्मेट में चाहते हो, भैया आपने जो ये सिलेबस बताया एक बार रिटन में मिल जाता है तो अच्छा रहता, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे इसका रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेबस एकदम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर में देखो क्या होता है, जैसे कि आप क्लास ट्वेल्थ में थे, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना था, तो आप क्या करते थे भाई, स्कूल जाते थे, कोचिंग लगवा के रखी थी। ऐसे ही हमने भी एक इन्वायरमेंट सेटअप किया है जो कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराता है, खास करके डी डी यू के लिए। आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा हमारा टारगेट गुरुकुल नाम का ऐप, ठीक है। आप क्या करो, टारगेट गुरुकुल नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर आपको जैसे ही टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और साथ ही साथ में वहाँ पे देखेंगे नीचे साइड में आपको मेन्यू, स्टोर, चैट एंड एक कोई और ऑप्शन मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको मिले भी। तो वहाँ पे अगर आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद सर्च बॉक्स में आप बीएससी सर्च करेंगे, जैसे आप बीएससी सर्च करेंगे वहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बीएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीएससी सीयूटी, ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा। तो आपको डीडीयू में जाना है ना, डीडीयू बोले तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो आप पहले वाले कोर्स को बाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी है तो वहाँ चैट के सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर ज्वाइन करके ग्रुप एडमिन्स को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए तो आप ऐप में आएँ, वहाँ से मैसेज करें। और एक सबसे खास चीज़ बता दूँ कि अभी हमारे जो कोर्सेज हैं डिग्री के लिए, उन पर बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज़ जाएँ जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें, देर ना करें, अभी आपका ये ऑफ़र छूट ना जाए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ऐसे, सिर्फ आप नहीं, ये वीडियो भी हज़ारों बच्चे देख रहे होंगे जो डीडीयू में बीएससी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। हर साल कम से कम 32,000 फॉर्म पढ़ते हैं डीडीयू के लिए, मात्र 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है मेन कैंपस के लिए, तो कहीं आप वंचित न रह जाएं उन 1,000 की सूची से। तो जल्दी से जाएं, अपनी तैयारी शुरू करें, वहाँ पे टीचर्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। साथ ही साथ में आपके वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे आपको, और क्विजेस कराए जाएंगे, टेस्ट कराया जाएगा। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पे आपके सारे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी, सिर्फ आपकी डाउट क्लासेस लाइव होंगी। और इतना ही है, और कुछ मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो अगर आप डीडीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी जाएं, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।